रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बट इससे जाने से पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट यूनिट की, जो इंक्लूड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपके दो चैप्टर हैं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बट इससे जाने से पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट यूनिट की, जो इंक्लूड है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपके दो चैप्टर हैं। तो उनकी वेटेज आपके सीयूट एग्ज़ाम में, आप मान लीजिए 15 to 16 क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस यूनिट। सो अब हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ दी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, और हम लोअर क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो बेसिकली आज जो हम करने जा रहे हैं वो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन है क्या बेसिकली, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई एम राइटिंग हियर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो जो कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो वो, उसका एक सर्टेन पीरियड है, सर्टेन पीरियड ऑन अर्थ। इफ एनी ऑर्गेनिज्म बॉर्न ऑन द अर्थ, सो इट इज ऑब्वियस दैट विल डाई वन डे। So there is a mention in your NCERT about the life span. Life span. Life span क्या है? The distance, it's a time between the birth and the death. Or you can say the span between birth and death, that is known as the life span. अब बात चलती है कि to form same kind of individual on earth. कि अगर हमें सेम तरह की इंडिविजुअल अगर अर्थ में हो तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन। विदाउट रिप्रोडक्शन इट कुड नॉट बी पॉसिबल। यू शुड नो दिस थिंग एंड वी यूज टू रीड इन द 11th क्लास कि हमें इंसान और किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑन द अर्थ पे क्या मकसद है हमारा आने का। हमारा बेसिकली मकसद क्या है आने का यहाँ पे, टू रिप्रोड्यूस। अगर हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रहेगी। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स कि उसकी जो जनरेशन है, जनरेशन से जनरेशन बनती रहे, वो उसकी लाइफ कंटिन्यू करती रहे। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइफ स्पैन। नेक्स्ट वी हैव द, देयर इज अ life expectancy. So बच्चों इनमें confuse नहीं होना कि life span और life expectancy same होती है। This definition or term we will also study in the ecology chapter कि life expectancy क्या है। ये है कि मान लो एक किसी area में, और you can say in any country, कि maximum लोग कितना जीते हैं, maximum एक्सपेक्टेंसी। कि अगर मान लो कि इंडिया में 65 तक ईयर ही लोग जी पा रहे हैं, तो दैट इज योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नाउ कम्स टू दी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो किसी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। एक आप हाथी मान लो, एक आप कोई, किसको मैं आपका एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हॉर्स मान लो, तो दोनों ही मतलब अलग अलग उनकी साइज़ है और उनका अलग अलग
एक्सपेक्टेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड पीपल, दोनों ही क्या हैं, जाइंट साइज के हैं, पर दोनों की एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि किस किस की एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है. दिस कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर CUT एग्जामिनेशन. सो जब मैं बात करती हूँ एलिफेंट की, सो एलिफेंट लिव्स अबाउट दी 60 to 90 ईयर्स. और जब मैं बात करती हूँ पैरट की, आप सोच सकते हो कि पैरट कितना छोटा सा है और एलिफेंट कितना बड़ा है. तो जब एलिफेंट लिव्स फॉर दी 50 to 90 ईयर्स, 50 to 90 ईयर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइज डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन डू नॉट डिपेंड अपॉन दी साइज, कि किसी का कितना भी साइज होगा उस पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता. अगर मैं बात करती हूँ आपके पैरट की, अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो छोटा है तो ये तो कम साल जीता होगा, ऐसा नहीं है. तो ये इट कैन लिव फॉर दी 150 ईयर्स. एंड द सरप्राइज्ड, ओके. देन फॉर एग्जांपल योर क्रो, सो क्रो लिव्स फॉर दी 15 ईयर्स. देन यू हैव दी इंसेक्ट, मई इंसेक्ट्स, मे फ्लाई, दैट कैन लिव फॉर दी 1 day. अगर मैं बात करूं बटरफ्लाई की, दैट कैन लिव फॉर दी 2 to 5 weeks, 1 day. देन वी हैव बटरफ्लाई, सो बटरफ्लाई 2 to 3 weeks. देन रोज प्लांट, रोज प्लांट कैन लिव फॉर दी 5 to 7 months. वेन वी टॉक अबाउट दी बनाना ट्री, सो इट इज अबाउट टू, नॉट बनाना, इट्स अ बनियन ट्री. रोज 5 to 7 months, बनियन ट्री दैट इज अबाउट टू 500 to 700 years, कि एक बनियन ट्री 500 to 700 साल जीता है, देख रहे हो आप. और जब मैं बात करूँ राइस की, तो राइस इज अबाउट टू 3 to 4 months. हॉर्स दैट इज टू 25 years, एंड फ्रूट फ्लाई दैट इज टू अबाउट 1 month. बनाना, not banana, I don't know why I'm writing banana again and again here. Okay, horse 25. Then we have your rice 4 to 5 months, then fruit fly could be 1 month. And in your NCERT, this thing is also mentioned that nothing is immortal except the single living organism. कि जो कोई इंसान और ऑर्गेनिज्म धरती पे आया है उसकी डेथ होना रियल है, कि डेथ हो के रहेगी, डेथ इज दी डेथ इज सर्टेन. नाउ मीन्स वी विल डिस्कस दी टाइप्स ऑफ दी रिप्रोडक्शन. पहले हम बेसिक ले लेंगे कि रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है. एसेक्सुअल एंड
सेक्स हुई। हमें पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो तरह की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व and one parent is involved and that will form the new individual. When I say the sexual reproduction, so beta two individual, so we can say it is a biparental in asexual there is no gamete fusion. यहाँ पे क्या होगा, कोई gamete fuse नहीं करेगा, no gamete fusion, but in the sexual reproduction male and female there are two types of the gametes that will fuse, gamete fusion takes place. Along with the gamete fusion होगा और gamete formation भी होगा। यहाँ पे कोई gamete fusion नहीं होगा तो means no gamete formation. अगर मुझे gamete formation नहीं करवाना है तो मैं gamete क्यों बनाऊं? Same as यहाँ पे क्या होगा, gamete formation will be there. Clear? And example, if I give you human, animals, human, animals, और यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, उल्टा लिख दिया मैंने सर, हेयर बेटा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, पैरामीशियम और अमीबा, मोस्टली दे आर सिंगल सेल, देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स एज हेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ह्यूमन, एनिमल्स, all are the that involves in the sexual reproduction. Okay, so हम asexual reproduction में बात करेंगे कि asexual reproduction basically कितने तरह की होती है. तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं vegetative propagation, sporulation, fission and fragmentation. Types of asexual reproduction. So first we will discuss fission, vegetative propagation, then next is your fragmentation and sporulation. So हम बात करेंगे, first let's start with the fission. Fission in this, fission में क्या होगा कि एक ही parent involved होगा and that will form two to more individual. दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा individual और daughter बनाएगा. Fission. Parent will form two or more than two daughter cells. This is about the fission. But basically एग्जाम्पल मैं लूँ इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स, प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स, यू कैन ऑब्जर्व बेटा हमारे जो फिजन है वो बेसिकली दो तरह की होती है और आपकी एनसीईआरटी में भी दो तरह की दी है. वन इज दी बाइनरी फिजन एंड वन इज दी मल्टीपल फिजन.
बाइनरी फिजन एंड वन इज योर मल्टीपल फिजन. बाइनरी का मतलब ही क्या है, टू. मीन्स कि एक जो पेरेंट है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है. वन पेरेंट डिवाइड इंटू टू, वन पेरेंट डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग इन दी अमीबा एज वेल एज इन दी पैरामीशियम. दीज ऑल आर दी सिंगल सेल इंडिविजुअल्स एंड यू कैन वॉच इन दिस. नेक्स्ट वी हैव दी मल्टीपल फिशन, बट मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बाइनरी फिशन होगी. सपोज दिस इज योर अमीबा. And there is a nucleus is present in the amoeba. When the division will takes place, so division of the nucleus will also takes place. That is the karyokinesis. जो न्यूक्लियस होंगे उनका क्या होगा, डिवीजन होना शुरू हो जाएगा. दो न्यूक्लियस लाइक अब सेल का साइज भी थोड़ा इलोंगेट करेगा एट द टाइम ऑफ द डिवीजन. नाउ अल्टीमेटली न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू. जब न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएंगे तब क्या होगा, दिस इज योर कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस अल्टीमेटली इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स. दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिशन, कि एक पूरा का पूरा सेल ही दो सेल बना रहा है. अब बाइनरी फिशन जो होती है वो बहुत तरह की होती है. एक होती है सिंपल बाइनरी फिशन, एक होती है लॉन्गिट्यूड बाइनरी फिशन, एक होती है ट्रांसवर्स फिशन और एक होती है मल्टीपल फिशन. पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स बता दूं उसके, मतलब दैट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. सो वन इज दी दैट इज द सिंपल जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बाइनरी फिशन में, कि अमीबा जो है एक अमीबा दो में डिवाइड कर रहा है. एक दैट इज द योर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि ये ऐसे डिवाइड करे. अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो ऐसे डिवाइड करेगा, मीन्स डॉटर से लाइक दिस. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स बेसिकली एग्जाम्पल इज द यूग्लिना एंड द ट्रिप्सोनिमा. मीन्स डिवीजन कैसे होगी, लॉन्गिट्यूडनली लाइक दिस एंड इट विल फॉर्म टू युग्लिना. एग्जाम्पल्स युग्लिना एंड टाइपेनोसेमा सोमा.
Next we have the transverse binary fission. Transverse binary fission आप किस में दे सकते हो? चप्पल जैसा organism, that is your paramecium. Transverse. And we already know it has two nucleus, macro and micro nucleus. Macro nucleus and micro nucleus. One is divided by the mitosis and one is divided by the amitosis. So it will divide by like this. कि ये वाला पार्ट क्या करेगा, नीचे वाला पार्ट बना लेगा और ये वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट बना लेगा. Then next we have the oblique binary fission. Means कि the plane of division कैसा होगा, oblique होगा. And the examples, for example the gonic hallux and serratium. Oblique binary fission means the plane of division will be the oblique. Plane of division will be oblique. And examples includes your serratium. These example is not mentioned in the NCERT, but telling you gonic hallux, ulex. That is mentioned in our NCERT when you study in the 11th chapter, 11th class chapter biological classification, gonic hallux. Then next comes to the multiple fission. These are the examples of the binary fission. Ki binary fission jo hum normal padhte hain, ये है सिंपल बाइनरी फिशन. और जब प्लेन ऑफ डिवीजन अलग अलग तरह से डिवाइड करे, सो इट कुड बी लॉन्गिट्यूडनल, इट कुड बी ट्रांसवर्स और इट कुड बी ऑब्लिक. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. वी हैव द मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन. अब बेटा मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर कॉलोनीज बना रहा है, एक सेल बहुत सारे डॉटर कॉलोनीज बनाएगा. वन पेरेंट विल फॉर्म मैनी डॉटर सेल्स. एंड वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज दी इन मलेरिया, दैट इज दी प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या करेगा, विल फॉर्म मल्टीपल डॉटर सेल्स. एंड जब प्लाज्मोडियम मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाएगा, मीन्स मल्टीपल योर मल्टीपल फिजन करेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज दी साइजोगोनी, दैट यू स्टडी इन दी Human Health and Disease in Malaria Cycle. Saizogony. और ये Saizogony कहाँ होती है, एक time होगी liver में और एक time RBC में. One time it will be liver और second time it will be in the RBC में. That is the initial stages.
मीन्स इसमें क्या होगा, एक सेल मान लो एक सेल है तो वो क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा, मीन्स कैरियोकाइनेसिस होगी एंड लॉट ऑफ न्यूक्लियस विल बी देयर एंड द साइटोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विल सराउंड दिस न्यूक्लियस एंड अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट. प्लाज्मोडियम एक सेल से बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा, मल्टीपल न्यूक्लियस, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस. दिस इज अबाउट द मल्टीपल फिजन. नाउ अगर हम बात करें अमीबा की, तो जो आपका अमीबा है वो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन नहीं करता, तो वो क्या करता है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, अपने ऊपर एक थ्री लेयर बना लेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी दैट एट द टाइम इट विल परफॉर्म द बाइनरी फिशन. जो थ्री लेयर बनाएगा वो अमीबा दैट इज नोन एज द इंसिस्टेशन. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन योर अमीबा डू नॉट परफॉर्म बाइनरी फिशन. अमीबा डू नॉट परफॉर्म बाइनरी फिशन. सो मान लो कि ये आपका एक अमीबा है. अब आई अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन, पहले तो वो फेवरेबल में बाइनरी फिजन कर रहा था, बट अनफेवरेबल में क्या करेगा, वो अपने ऊपर तीन लेयर बना लेगा लाइक दिस. सो फॉर्मिंग ऑफ दी थ्री लेयर और यू कैन से सिस्ट फॉर्मेशन आकर्स. Here, form cyst. So this process is known as the incystation. Incystation. कि जब unfavorable condition में क्या करेगा, अमीबा अपने ऊपर cyst बना लेगा and that is of your three layer. That process is known as the incystation. अब कभी तो फेवरेबल कंडीशन आएगी ही, कैसा तो है नहीं कि फेवरेबल कंडीशन कहीं कभी नहीं आएगी. तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा दैट विल डिवाइड. न्यूक्लियस विल डिवाइड. मान लो कि ठीक है, न्यूक्लियस ने डिवाइड कर लिया मल्टीपल टाइम्स एंड दैट विल फॉर्म द सूडोपोडिया स्पोर्स. मल्टीपल टाइम्स, जब इसका न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा तब ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली सूडोपोडिया स्पोर्स बनाएंगे. सूडोपोडिया स्पोर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया स्पोर्स इज नोन एज द स्पोरुलेशन. The process of formation of the pseudospodia spores is known as the sporulation. Sporulation. In examination, they can ask you about the sporulation. कि sporulation क्या है? So there is a formation of the pseudospodia spores when the nucleus will divide multiple times. और जब ये अपने ऊपर ये तीन layer बनाएगा, जैसे ये तीन लेयर बनाएगा तब क्या होगा, हाँ तब जो अमीबा के सूडोपोडिया होता है टू इनगल्फ द फूड दैट विल बी लॉस्टेड. सूडोपोडिया क्या हो जाएंगे, उसके खत्म हो जाएंगे, लॉस्टेड. नेक्स्ट एग्जांपल
है इसका फिजन का मोनोसिस्टस का मोनोसिस्टस. सो दिस इज ऑल अबाउट दी योर फिजन. बेसिकली हमने क्या देखा, फिजन क्या है कि एक पूरा का पूरा सेल दो सेल में डिवाइड होगा या दो से ज़्यादा सेल में डिवाइड होगा. इसके बाद हमने क्या देखा कि जो फिजन है वो बेसिकली दो तरह की होती है, बाइनरी फिजन एंड दी मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो पूरा का पूरा सेल होगा वही डिवाइड होके दो सेल बना देगा, एज इन दी अमीबा. दैट इज़ दी सिंपल फिजन. फिजन कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप. बाइनरी फिजन जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ट्रांसवर्स हो गई और ऑब्लिक हो गई. देन वी केम टू दी मल्टीपल फिजन कि एक सेल क्या करेगा, बहुत सारे डॉटर क्लोनिस बनाएगा. एग्जाम्पल आई गेव यू एज इन दी योर प्लाज्मोडियम. जो प्लाज्मोडियम क्या होगा, उसका न्यूक्लियस मल्टीपल डिवाइड करेगा एक ही सेल में. मीन्स कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस विल नॉट टेक्स प्लेस. व्हेन कैरियोकाइनेसिस विल टेक्स प्लेस, अल्टीमेटली जो साइटोप्लाज्म है दैट विल सराउंड दिस न्यूक्लियस एंड ऑन द मेच्योरिटी दे विल बर्स्ट. एंड थर्ड एग्जाम्पल था मोनोसिस्टिस. मोनोसिस्टिस नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द बडिंग. अब नो बेटा, बडिंग जो होती है वो दो तरह से होती है. इट कुड बी एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग. एक्सटर्नल बडिंग में क्या होगा, जो बड होगा वो पेरेंट के बाहर भी आ सकता है. इंटरनल बडिंग में बड पेरेंट के अंदर भी आ सकता है. बडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द बड. फॉर्मेशन ऑफ बड सो इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज द एक्सटर्नल एंड वन इज द इंटरनल. एक्सटर्नल एंड सेकेंड इज योर इंटरनल. सो अब बड क्या है, एक्सटर्नल बड़े बनेगा कि ये जो आपको पेरेंट, मान लो ये कोई पेरेंट है तो उसके ऊपर बड बनेगा. और इंटरनल में क्या होगा, इनसाइड द पेरेंट बॉडी देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द बड्स. सो वेरी कॉमन एग्जाम्पल इफ आई टेक इन दिस, दैट इज योर हाइड्रा. एग्जाम्पल इज हाइड्रा. सपोज आई एम टेकिंग और ड्रॉइंग द हाइड्रा हेयर. So this is your bud formation. Bud formation. And when it will mature, it will detach from the parent body. On maturity, it will detach from parent body. नेक्स्ट. और कभी कभी क्या होता है कि जो डॉटर है वो डिटैच नहीं होती, कि पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर ही बॉडी अटैच रहेगी. तो क्या होगा, मल्टीपल क्लोनिस डॉटर के ऊपर और डॉटर, डॉटर के ऊपर और डॉटर. इफ इट डज नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी सो इट विल फॉर्म द क्लोनिस.
Then next we have the internal budding, means bud is formed inside the body. जो बड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? इनसाइड द बॉडी. ओके. एंड जो बड और जो बड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? जेम्यूल, गेम्यूल बोलते हैं. और गेम्यूल कहाँ बनते हैं? स्पॉन्जेस में. जेम्यूल्स दैट इज फॉर्म्ड इन द स्पॉन्जेस. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दीज आर योर साइकॉन, स्पॉन्जेला. Spongella is your freshwater sponge, whereas Cycon is the marine water sponge. So let me draw this thing. Internal budding कैसे हुई? जो पेरेंट बॉडी है वो टू लेयर्ड एक स्ट्रक्चर, बनाएगी, टू लेयर्ड होगा. और टू कवर्स और ऑन द एक्सोस्केलेटन देयर आर द स्क्यूप्यूल्स. Now inside the body there will be a formation of the totipotency cell. Totipotency cell क्या होते हैं? जो कुछ regenerate कर सके, वो नया cell बना सके. Every cell has the capacity of the totipotent, कि हर cell की capacity है कि वो नया cell originate कर सके. These are the totipotent cell. Along with the totipotent cell, there is a lot of reserve material is there. Totipotent cell and reserve material for the growth of totipotent cell. It's a spicules. Okay. And this end is known as the micropylar end. So in every parent there will be a lot of the gametes in the under favorable condition. Next we have the fragmentation. So fragmentation can be seen in the flat worms, and it is takes place by in the two processes, that is the one is the breakdown and then is the regeneration. Fragmentation. And fragmentation is the accidental breakdown. Basically क्या है ये? Accidental breakdown. और very common example is in the hydra. और you can take the example of your planaria. So for example there is accidental breakage in this. So this will upper part will form the lower part and lower part will be form the upper part.
same as in the Hydra. Okay, and there are some algae such as your Spirogyra, Eulothrix, all are the examples of the your fragmentation, and along with the protonema of mosses. And one main, एक starfish है. Starfish के पास भी क्या capability होती है कि वो fragmentation कर लेती है. Suppose there is a danger in front of the starfish, तो वो क्या करेगी, autotomy कर लेगी, अपना एक बाजू ही काट देगी, ताकि अगर उसको कोई भी इनगल्फ करे, अगर बाजू उसकी एक इनगल्फ करे, तो वो अपने आप को तोड़ के आगे बढ़ जाए और अपना पार्ट रीजनरेट कर ले. सो इट हैज कैपेसिटी टू रीजनरेट इट्स आर्म्स. पहले क्या करेगी, ऑटोटॉमी, ऑटोलिसिस भी कह सकते हैं, खुद को ही काट लेगी, या ऑटोटॉमी. एस लिजर्ड भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका. और जब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू दी टॉटिपोटेंट सेल्स. टॉटिपोटेंट सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं जो रीजनरेट कर रहे हैं उनके लॉस्टेड पार्ट को. अगर हम बात करूं मैं अब नहीं कि इन प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है. सो इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय द योर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दे कैन आस्क यू इन प्लांट्स फर्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. और जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली हैबिटेट पे भी डिपेंड करती है. दैट इज ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी. इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स न्यू प्लांट फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट बिकॉज सेल हैव द कैपेसिटी ऑफ द टॉटिपोटेंट. Totipotent is the capacity to regenerate. अब जो artificial propagation है basically वो दो तरह से होती है. One is the artificial and one is the natural. Here I'm writing natural and here I'm writing artificial. अब नेचुरल में कैसे हो सकती है, रूट से भी नया प्लांट आ सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम से भी नया प्लांट आ सकता है, और सब एरियल स्टेम से भी न्यू प्लांट कैन अराइज, बल्बिल से भी न्यू प्लांट अराइज, लीव से भी न्यू प्लांट कैन अराइज. जब मैं बात करूँ आर्टिफिशली, जब हम जाते हैं कि गार्डन में देखने, तो जो आपका गार्डनर होता है वो कभी कभी काट के कलम दूसरे पेड़ पे लगा लेते हैं. दैट इज़ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. मीन्स let me write here cutting, grafting, all are the example of the artificial vegetative propagation. So example here I'm writing, first is your root, underground stem, subaerial stem, bulbils and your leaves. And here the example includes your cutting, grafting, micropropagation. We will discuss the concept of the micropropagation in upcoming chapters. सो रूट के एग्जांपल्स हैं कि रूट से ही नया प्लांट बन जाना, रूट से ही नया प्लांट ओरिजिनेट होना. सो एग्जांपल इंक्लूड्स योर डेलिया, डेलवर्गिया, डेलिया, डेलवर्गिया, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल
vegetative propagation and from the root. When we say underground stem, so इसमें क्या आ जाएगा आपके राइजोम्स. राइजोम्स कैन बी सीन इन दी जिंजर, बनाना, कैना, एंड वन इज दी इन अंडरग्राउंड स्टेम. टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, कॉर्म. इन कॉर्म में इट इंक्लूड्स योर कोलोकेशिया, दैट इज योर अरबी. देन अमोरफाइलस, दैट इज योर जिमीकंद. दिस थिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द 11th क्लास, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड नेक्स्ट वी हैव द बल्ब्स में आपके आ जाते हैं योर अनियन, लिली, गार्लिक, एंड द लास्ट इज योर अंडरग्राउंड स्टेम, ट्यूबर. ट्यूबर इज द आई ऑफ पोटैटो, वेरी कॉमन पोटैटो. These are the example of the underground stem. Then we have the subaerial stem. कि मान लो ये सरफेस है, तो जो स्टेम ग्रो कर रही होगी वो कैसे ग्रो करेगी? लाइक दिस. और there are the different type of the subaerial stem, such as your runner, stoler, sucker and offsets. One is the runner. Runner mein kya jayega? Very very important, that is your grasses, oxalis and strawberry. Next is the stolons. In stolons, it includes your mint and jasmine. Then the next we have the suckers, that is the banana, pineapple could be the examples. Suckers. Just you need to learn the examples. Suckers, banana, pineapple. The last is your offset, that is very very important. Offsets. So beta, offset mein aapka kya aayega? That is the aquatic bead, that is the icornia. Ye aapse pucha ja sakta hai offset mein icornia. That is your aquatic bead. Or another example is the pistia. So these are the examples of the subaerial stem that can grow naturally into the new plant. Then the next we have, plant can originate from the leaf also, that is the bryophyllum, that you have heard about the in Hindi. The bryophyllum is known as the chatpathar. And basically bryophyllum is a medicinal plant. Bryophyllum. In your NCERT it is also, I think, mentioned like this. यहाँ से क्या होगा? बडिंग, एंड बडिंग विल गिव राइज टू दी. अगर आप इतने से पार्ट को भी अगर सॉइल में प्लांट करोगे तो इट विल गिव राइज टू दी न्यू ब्रायोफिलम प्लांट. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द लीव्स
natural vegetative propagation is the begonia. Then bulbils. Bulbils are the fleshy buds. Bulbils. So these are the fleshy buds basically. Bulbils क्या होते हैं? एक fleshy buds होते हैं. Examples include agave. Another example such as your pineapple, oxalis. अब आप ये कहोगे मैम ऑक्सैलिस तो पहले भी आया था. मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, प्लांट में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं. नेक्स्ट, देर इज़ अ कंसेप्ट इन योर एनसीईआरटी अबाउट द स्पोरुलेशन. सो दे आर द वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर एंड वी यूज टू कॉल इट एज द एसेक्सुअल स्पोर्स. स्पोरुलेशन. अब स्पोरुलेशन क्या है? ये है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर. और स्पेशलाइज एसेक्सुअल स्ट्रक्चर जिनके अंदर क्या होगा? स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. अब स्पोर्स कैसे होंगे? सो बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स. इन एल्गा एंड फंजाई वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द कॉमन स्पोर्स. वन इज द योर जू स्पोर्स. जू स्पोर्स. एंड वन वी हैव द कोनिडिया. सो जू स्पोर्स आर द कॉमन स्पोर्स दैट इज प्रेजेंट इन द एल्गा. अब ये बॉडी के इनसाइड बन रहे हैं. सो दे आर एंडोजीनस इन नेचर. एंडोजीनस इन नेचर. ओके, नाउ दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल. सो दे आर बेसिकली मोटाइल. मोटाइल मीन्स इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला. सो दे आर फ्लैजिलेटेड ऑल्सो. फ्लैजिलेटेड. एंड वेन वी टॉक अबाउट द कोनिडिया, सो दे आर प्रेजेंट इन द फंगाई. एंड इन द एनसीईआरटी इट इज गिवन एग्जाम्पल अबाउट द पेनिसिलियम. दैट आई थिंक इट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी. Like this. So these conidia are exogenous in nature and means body के बाहर बन रहे हैं. Exogenous. And they are non-flagellated. They do not have any flagella. Non-flagellated. Now the next term that is given in the NCERT, gamecups. Have you heard about the gamecups? Yes, I think you heard this because we used to study this game in the 11th class. Game. So basically, what are the game? Game are the asexual buds. On the game, there is the cups is present, like this. And it is also a multicellular structure. Multicellular multicellular bird asexual birds. These are the gamecups. And I'm taking the example of the Marchantia, as in the bryophytes. So this is all about in the asexual reproduction. In the next class, we will continue with the sexual reproduction, where we will observe about the post and pre-fertilization events in the sexual reproduction. And basically, what are the here benefits and disadvantages of the asexual reproduction. So if I talk about the disadvantages, so there is no variation, no variation in the
asexual reproduction. And also, if there is no variation, means there is lot of overcrowding. की एडवांटेज क्या है कि डिट्टो कॉपी सेम का सेम डिट्टो कॉपी की डिट्टो कॉपी इन सेंस यू कैन से क्लोन इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम स्ट्रक्चर कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है अगर इसका हम क्लोन बनाएं तो वो क्या होगा जेनेटिकली भी सेम होगा और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम रहेगा. और एसेक्सुअल की एडवांटेज क्या है कि वी कैन फॉर्म द मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम बट अगर मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो क्या हो सकता है ओवरक्राउडिंग भी पॉसिबल हो सकती है. सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम. आई होप you learned something from this first chapter that we covered the asexual reproduction. Thank you.